पोलिंग बूथों पर लगी लोगों की लंबी लंबी कतारें बता रही हैं लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जनता में कितना जोश है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे खत्म हुआ, लेकिन बहुत सी जगहों पर घंटों बाद तक भी मतदान होता रहा। हालांकि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान जल्द खत्म हुआ। 12 राज्यों की जिन 121 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया, उनमें कर्नाटक की सभी 28 सीटों के अलावा राजस्थान की 20 सीटें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की 19, यूपी और उड़ीसा की 11 सीटों के लिए भी मतदान पूरा हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 10, बिहार की 7, झारखंड की 6 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ की 3 और जम्मू कश्मीर तथा मणिपुर की 1-1 सीट पर भी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया। इसी चरण में ओडिशा की 77 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हो गए। इस चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान कर्नाटक में हुआ। राज्य की ज्यादातर सीटों पर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। समाज के हर वर्ग के अलावा हर उम्र के लोग मतदान के लिए पहुंचे। कर्नाटक में जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने किया, उनमें केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा शामिल हैं। बैंगलोर दक्षिण सीट पर दिलचस्प मुकाबला रहा, जहां इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन निलेकनी का बीजेपी के दिग्गज नेता अनंत कुमार के साथ। बैंगलोर दक्षिण में जिस तरह का चुनाव देखा जा रहा है अनंत कुमार और नंदन निलेकनी के बीच, ये एक कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है, क्योंकि अनंत कुमार ये मानकर चल रहे हैं कि वो लगातार पिछले बार पांच टर्म से लोकसभा सीट जीते आए हैं, तो उन्हें इस बात की उम्मीद है कि वो इस बार एक छक्का लगाएंगे। राजस्थान की 25 में से 20 सीटों पर मतदान हुआ और लोगों में खूब उत्साह दिखा। जी हाँ, लोकतंत्र के लिए लगने वाली ये लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि जनता अपने भाग्य की बागडोर अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपने जा रही है। कैसा होगा इनका जनप्रतिनिधि? अच्छा, पहली बार वोट डालने जा रही है, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम भी डिसाइड कर सकते हैं देश का भविष्य। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके की 19 सीटों पर भी शांतिपूर्ण और ठीक ठाक मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की किस्मत का फैसला हो गया। पांचवें चरण में यूपी के रुहेलखंड इलाकों की 11 सीटों पर वोट डाले गए, जहां अच्छा मतदान हुआ। पीलीभीत, रामपुर और बरेली जैसी अहम सीटों पर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। संभल में 2 मतदान केंद्रों पर कब्जे की कोशिश करने की खबर है। बरेली के अंदर भी लोकसभा चुनाव का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग अपने घरों से निकले हैं वोट देने के लिए। जो आपका सांसद बनेगा वो आपके लिए और क्या करे, ईमानदारी से सबको देखे और देश को चलाए। यूपी में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और संतोष गंगवार शामिल हैं। ओडिशा में लोकसभा की 11 सीटों के अलावा विधानसभा की 77 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं में खूब उत्साह दिखा। हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। पालपुर केंद्र पर 2 पक्षों में संघर्ष में 10 लोग घायल हो गए। उड़ीसा की 11 लोकसभा सीटों के साथ ही 77 विधानसभा सीटों के लिए उड़ीसा पर मतदान हो रहा है। अच्छा, तो बहुत कुछ होना चाहिए, लाइट, पानी, सब कुछ होना चाहिए। बिहार की 7 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। लोग सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। पटना साहिब के दीघा विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर कई ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आइए उनसे हम बात करते हैं। आपने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोट किए हैं और देखकर अच्छा लग रहा है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ, उनमें फिल्म अभिनेता और वरिष्ठ बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व गृह सचिव आरके सिंह और लालू यादव की बेटी मीसा भारती शामिल हैं। मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर भी छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। भिंड जिले के मारोली मतदान केंद्र पर पथराव की घटना हुई, लेकिन फौरन ही हालात को काबू में कर लिया गया। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी भारी मतदान हुआ और लोगों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में काफी उत्साह दिखा। इस संबंध में चुनावी मुकाबला बेहद रोचक और चुनौतीपूर्ण है और एक चुनौती जनता के लिए भी है, अच्छा प्रतिनिधि अपना बेहतर सांसद चुनने की। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया।
इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदाताओं के उत्साह को देखकर ये लग रहा है चुनाव आयोग की कोशिशें रंग लाई हैं और लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था और गहरी हो गई है। बैंगलोर से आयशा खानम, जयपुर से नीरज, लखीमपुर खीरी से अनुज, महासमुंद से निखिल, पटना से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।